फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एवरी पिच बॉल, एवरी पिच PITH, एवरी पिच बॉल ऑफ मास 6 ग्राम, एवरी पिच बॉल ऑफ मास 6 ग्राम कैरी, 6 ग्राम कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1/3 10^-7 कॉलम्स। व्हाट इज द, आगे क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, व्हाट इज द नेचर, दिखाई दिया 1/3 10^-7 भाई, व्हाट इज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द पिच बॉल 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर पिच बॉल सो दैट अपर पिच बॉल इज स्टेशनरी। समझ में आ रहा है? यस सर। ना क्वेश्चन क्या, अभी देखिए दो बॉल दे रखी हैं आपको, अभी एक बॉल ये है, एक बॉल कुछ डिस्टेंस पे नीचे है इसके, अभी कितना डिस्टेंस दे रखा है इनका, इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर भी, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है, अभी क्यों ले लेते हैं, इट इज 1/3 10^-7 कॉलम्स भी, ये बॉल ए है। क्वेश्चन ये है कि बॉल बी पे कितना चार्ज दिया जाए कि बॉल ए स्टेशनरी रह जाए, वहीं पर रुक जाए भी, अगर इसको चार्ज ना दे तो बॉल नीचे गिरेगी, मास दे रहा क्या इसका भाई, नीचे आएगी ना ड्यू टू वेट। कितना चार्ज दें इसको और क्या नेचर रखें चार्ज का कि ये बॉल हवा में रह जाए भी, कैसे पॉसिबल है भी? इसका वेट होगा ना कुछ तो, मास दे रखा, वेट कितना होगा भाई mg नीचे, मास कितना है इसका, ये चार्ज है क्यू वन ले लेते, मास कितना भाई 6 ग्राम्स 10^-3 डाल दो किलोग्राम की टर्म में, सही है। अब देखो इस फोर्स को कौन कैंसिल कर सकता है, ऊपर वाला फोर्स, यस और नो, और ऊपर वाला फोर्स कैसे लग सकता है, जो दोनों पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव दे रखा है तो पक्का ये भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेचर तो हो गया भाई पॉजिटिव बॉल होगी भी। अब क्वेश्चन क्या है, चार्ज निकालना है इसका Q2 कितना है, कितना रखें कि ये हो जाए भी। देखो दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर भी, एक तो फोर्स लग रहा है mg भी और एक फोर्स लग रहा है K Q1 Q2/r² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये फोर्स बराबर हो जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा अभी और बॉडी वहीं पर रुक जाएगी आपकी, नहीं समझ में आई बात है। mg को कौन कैंसिल कर दे, ये वाला फोर्स कैंसिल कर दे, कौन सा फोर्स है, दिस फोर्स, अगर बराबर हो गए तो बॉडी रुक जाएगी वहीं पे, तो बराबर बोल रखा है कि रुकी रुक जाए तो क्या होगा, मान लेते बराबर हो गए भाई, कितना लिखोगे, mg बराबर है K Q1 Q2/r², क्या निकालना आपको, Q2 निकालना भाई, निकाल लो Q2 का वैल्यू कितना होगा, mg r² / K Q1 भी, सही लिखा है मैंने, यस आर नो, पुटिंग द वैल्यूज भी, सभी यूनिट ऐसा ही में डाल लीजिएगा भाई, Q2 कितना है, m कितना है भाई 6 10^-3, Q2 इज इक्वल टू 6 10^-3, g कितना होता है 10 ले लूँ सिंपलिसिटी के लिए, r कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लीजिएगा इसको, 5 10^-2 का स्क्वायर भी डिवाइड बाई k कितना होता है भाई 9 10^-9 और Q1 कितना है 1/3 10^-7, सोल्व कर पाओगे, यस और नो, आफ्टर सॉल्विंग कितना आंसर आएगा अभी,
Q2 बराबर है कितना भी 4.9×10⁻⁷ कॉलम्स भी। समझ में आया टॉपिक भी? का क्वेश्चन है नेक्स्ट भी लिखिए, स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम कैरी ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रो कॉलम प्लस का भाई प्लस 6 माइक्रो कॉलम। मास कितना दे रखा है इसका? ये चार्ज हो गया अभी। मास कितना है? 1 ग्राम। बदल लेते हैं डायरेक्ट, n⁻³ डाल दूं तो 1 किलोग्राम में आ गया भाई। सही है। और माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁶ भी कॉलम भी। कोशिश करो सारा ऐसा में डालने की, नहीं तो गलती कर लोगे। आगे लिखिए, द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन्स पर कॉलम 400 न्यूटन्स पर कॉलम एक्टिंग डाउनवर्ड। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहला क्वेश्चन तो ये है भाई। सेकंड क्वेश्चन डालिए इसमें, हो गया था ना अभी। सेकंड डालिए, व्हाट विल बी द टेंशन इफ चार्ज ऑन द स्फीयर इज -6 माइक्रो कॉलम। चार्ज विल बी -6 माइक्रो कॉलम। दो क्वेश्चन डाल रखे हैं आपको, एक तो टेंशन पूछ रखी है धागे में कितनी होगी, दूसरी बात यह है अगर चार्ज कितना कर दिया जाए, -6 कर दिया जाए प्लस की जगह पे भी, क्या आंसर आएगा भी? कर लोगे? तो क्वेश्चन क्या आगे देखिए भी क्लास, एक धागा है भाई जिससे एक बोल बंदी हुई है, इसका मास दे रखा है 1 ग्राम का, एम दे ले इसको, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है भाई। कैसे वो लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है अभी। कैसे लगेगा? ऐसे। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? तो धागे का इसका जो बॉल है इसका वेट कहाँ पे होगा क्लास? नीचे होगा अभी। इट इज mg। सही है कि नहीं है? तो धागे में क्या बनना है? खिंचाव बनना है, टेंशन बोलते हैं इसको, टी। लेकिन धागा टूटा नहीं है भाई, यानी पक्की बात है, जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही कितना है डाउनवर्ड फोर्स भी। यस सर नो? और क्या दे रखा है इसका? चार्ज दे रखा है, प्लस का था ना, प्लस का क्यू ले लेते हैं, वैल्यू हमारे पास। कर पाओगे तो बताइएगा, टेंशन किसके बराबर होगा बताइए जल्दी से। इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, प्लस वन क्लास में भी, है ना। हम तो वैसे पास हो गए हैं, हमने किया बेरा, है ना। तो कितने डाउनवर्ड फोर्स हैं भाई? एक तो एम जी है डाउनवर्ड फोर्स, एक तो एम जी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रहा है चार्ज पे भी, कितना भाई? क्यू ही है ये, याद है फोर्स है। F=Q ले सकता हूँ, E बराबर क्या होता है? F/Q। सही लिखा मैंने? इज इक्वल टू किसके बराबर है ये? सॉरी, इज इक्वल टू टेंशन भी, टी। धागा टूटा नहीं है भाई, तो बराबर होंगे, तो टी निकाल लो, दिक्कत क्या रहेगी। T=, m कितना है भाई प्लस 1×10⁻³, g को 10 ले लूँ, प्लस q कितना है 6×10⁻⁶, और e कितना है भाई 400। सिंपल क्वेश्चन है भाई, सॉल्व कर पाओगे? यस सर नो? टी का वैल्यू कितना? इसका आंसर आएगा 1.22 10⁻²⁺ न्यूटन्स भी। ये आ गया, ये भी नहीं आया। ओके, अब एक क्वेश्चन और भी दे रखा है इन्होंने भी, अगर इस चार्ज को माइनस कर दिया जाए भी, ये है ना, कितना -6 माइक्रो कॉलम भी। इमेजिन करोगे इसको माइनस कर तो क्या होगा भाई?
ऊपर जाएगा, इसको माइनस कर दिया जाएगा। नीचे कौन सी प्लेट है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है अभी, कहाँ से आता है? पॉजिटिव प्लेट से एंड कहाँ पे होता है? नेगेटिव प्लेट पे। यस सर नो, ये पक्की बात। नीचे क्या रखा गया होगा? नेगेटिव रखा गया होगा। और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अपोज करेंगे, सो धक्का मारेगा ऊपर की तरफ ये। यानी अब की बार जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, किसकी तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नेट फोर्स कितना होगा अभी? कितने डाउनवर्ड फोर्स हैं अब? अब जो ये फोर्स नहीं है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये कौन सा फोर्स है? एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? नीचे वाली नेगेटिव प्लेट क्या करेगी? इस नेगेटिव को धक्का मार देगी ऊपर की तरफ, रिपल्शन होएगी। हाँ या ना? तो कितने ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। कौन कौन से? टी प्लस क्यू ही ले दूँ, इक्वल टू कितना भाई? एम जी। फर्क समझ में आया भाई? टी अब निकालना हो तो एम जी माइनस क्यू ही, बस ये माइनस करना आपको। कर लोगे? कितना आंसर आएगा? टी एम कितना था भाई? 110 की पावर माइनस 3, जी 10 माइनस क्यू कितना था? 610 की पावर माइनस 6, ई कितना है भाई? 400, यही है ना? इसका आंसर है तो पहले वाला था, क्या था पहले वाला? 74, 10 की पावर माइनस 4, टी इक्वल टू 74, 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन्स में। कर पाओगे? समझ में आया क्वेश्चन भाई? बाकी अब शुरू हो जाएंगे डाइपोल के ऊपर भी। डाइपोल क्वेश्चंस बहुत हैं हमारे पास, लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, सिंपल क्वेश्चन लिखवाएंगे। पहला लिखिए, टू चार्ज प्लस 20 माइक्रो कॉलम एंड माइनस 20 माइक्रो कॉलम, 20 माइक्रो कॉलम एंड माइनस 20 माइक्रो कॉलम आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। कुछ याद है फार्मूला इक्वेटोरियल लाइन का? यस सर नो? कितना था? पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर थ्री था ना। P को ले सकता हूँ, P को Q इंटू 2A, यस और नो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। आपको क्या दे रखा भाई? क्लास चार दे रखे हैं। ये क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2A है, ये 2A डाइपोल का लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं चाहिए भाई, 10 की पावर माइनस 2 मीटर कर दूँ, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। ये क्या है एक्चुअल में पता आपको? ये R है भाई। कितना? सब कुछ मीटर में ले लीजिएगा। कर लोगे? बस पुट कर दो वैल्यूज। कितना है ये? क्या है पूरा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। क्या एक्चुअल पता है आपको? कांस्टेंट है भाई, के नहीं है ये। यस सर ना? क्यों कितना है? 20 10 की पावर माइनस 6 भाई, माइक्रो में कॉलम में ले लीजिएगा। 2A कितना अभी? 110 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई R3। R कितना है? 50 10 की पावर माइनस 2 का पावर 3। इसकी जगह क्या लिख दूँ? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। K का वैल्यू कितना? 9 10 की पावर 9। भी याद है कि नहीं है? सही है। सिंपल क्वेश्चन नहीं लग रहा? ये एग्जाम में आया हुआ है। इज इक्वल टू कितना भी? सॉल्व कर पाओगे इनको अभी? आधे बच्चों सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन इस तरह के भी, पता नहीं क्यों नहीं होते। बेस्ट तरीका क्या है? पहले पावर को सॉल्व करो भाई, उसके बाद पॉइंटों को ख़त्म कर दो। इंटर में पावर ले आइएगा पॉइंटों को, उसके बाद सॉल्व कर लो। करना आता है? पहले पावर सॉल्व कीजिए।
कितनी पार होगी? माइनस सिक्स, यहाँ पे माइनस एट और नाइन, और बच गई नौ प्लस का आठ माइनस का भी एक बच गया ना, ऊपर कितना छः माइनस का ऊपर गया तो सात प्लस का भी, सही है कि नहीं है? पावर खोलोगे उसके बाद गुणा भाग कर लो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसका आंसर आएगा भाई, कहाँ गया, इसका आंसर है बुक में से 1.44 10 की पावर 4 न्यूटन्स पर कूलम्ब। अब बोलोगे लिखिए टू चार्ज ईच ऑफ 1 माइक्रो कूलम्ब, टू चार्ज ईच ऑफ 1 माइक्रो कूलम्ब बट अपोजिट इन साइन आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो जाएगा। आगे लिखिए भाई, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, एक्सियल ए एक्स स्पेलिंग AXIL मन्ने बन बराबर, ठीक है कर लोगे? हो गया भाई, एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। क्वेश्चन क्या क्लास, आपके पास डाइपोल है भाई, था ना पहले वाला, ये पॉइंट वो था, ये आपकी क्या थी, सी पॉइंट था, ये था ना, क्या क्या दे रखा है, चार दे रखा है भाई, कितना 1 10 की पावर -6 कॉलम में, 1 सेंटीमीटर क्या है, ये 2a है लेंथ, ये समझ में आई बात आपको, इसके बीच का डिस्टेंस 1 10 की पावर -2 मीटर। और क्या एक चीज़ और दे रखी है इन्होंने अभी, ये दे रखा है ये एक कहाँ पे निकालना है, 10 सेंटीमीटर पे निकालना फ्रॉम द सेंटर पे, ये आर नहीं दे रखा आपको अभी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर भी, समझ में आई बातें? अब देखो हम लोगों ने केस यूज़ किए हुए थे भाई, केस किसका था, हमने ये माना था कि डाइपोल छोटा भाई, हमको दूर पे निकालना, तुमने क्या कर दिया था, एक चीज़ को कैंसिल कर लिया था, ए को भी, ये हम प्रॉब्लम क्या दोनों दे रखे हैं आपको, तो आपको कैंसिल नहीं करना भाई, कैंसिल तब करना है जब आपको वैल्यू नहीं दी होती है, समझ में आया? तो एग्जैक्टली फार्मूला क्या बना था, कुछ याद है, एक्सियल लाइन के लिए भी 1/4πε0 2π था भाई ऊपर, यहाँ पे r² - a² 3/2 याद है कि नहीं है, चेक कर लो एक बार, यह फार्मूला था भाई, हमने क्या किया था, a को नेगलेक्ट कर लिया था केस के अंदर भी, कि ये छोटा है r की कंपैरिजन में, तो a को छोड़ देते हम लोग, तो जब बाकी फार्मूला r³ बना था भाई, प्रॉब्लम क्या है, अब वैल्यू दे रखी है आपको, a की भी दे रखी है और r की भी दे रखी है, सही है कि नहीं है? तो बस निकाल लो, पी नहीं दे रखा भाई, पी निकाल पाओगे, क्या होता है पी, क्यू इंटू टू ए, सही लिखा है 4πε0 r² - a² 3/2 पुटिंग द वैल्यूज भी 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, के है 9 10 की पावर 9 इंटू टू इंटू चार्ज कितना है भाई 1 10 की पावर -6 टू ए कितना है 1 × 10 की पावर -2 1 × 10 की पावर -2 डिवाइड बाई r² r कितना भाई 10 10 की पावर -2 माइनस स्क्वेयर है ना माइनस a² ए कितना है 1 10 की पावर -2 का स्क्वेयर का पावर 3/2 सही है कि नहीं है सॉल्व कर सकते हो अरे स्क्वेयर सॉल्व कर पाओगे 100 10 की पावर -4 हो गया यहाँ पे 1 10 की पावर -4 हो गया तो 100 - 1 99 10 की पावर -4 हो गया ये सर ना 10 की पावर -4 को अंडर रूट से बाहर निकाल दूँ अब पावर 3 है भाई
दस की पावर तीन कितनी होगी? इतना सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अरे वहाँ भरो, मैं नहीं करूँगा भाई। कितना आंसर आएगा इसका? आंसर है बुक के अंदर ए इज इक्वल टू 18 10 की पावर 4 न्यूटन्स पर कोलम्स। देखो आप कुछ कर लेते हैं डाइपोल टोरक के ऊपर, एनर्जी के ऊपर भाई, लिख लीजिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट टू चार्ज प्लस माइनस 0.1 माइक्रो कोलम, प्लस माइनस 0.1 माइक्रो कोलम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे है डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन्स पर कोलम। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड कहाँ पे आ गई? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आगे लिखिए व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क एग्जर्ट ऑन द डाइपोल भी, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क एग्जर्ट ऑन द डाइपोल, डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, हो जाएगा। देखो क्लास आपको चार दे रखा भाई, माइक्रो में है, सॉल्व कर पाओगे इसको? ये डिस्टेंस दे रखी है, टू ए है ये, सेंटीमीटर में बदलो, ख़त्म करो इसको, 10^-2 meter। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क भाई? PE sin theta, कुछ याद है कि नहीं है? और मैक्सिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है भाई, याद है कि नहीं है? 90 पे मैक्सिमम होता है। तो आंसर कितना आएगा टॉर्क का? PE। तो आपको P निकालना और ये निकालना है। P क्या होता है यहाँ पे लिख दूँ? टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? Q इंटू 2A इंटू E, पुटिंग द वैल्यूज भी। Q कितना? 0.1 10^-6 इंटू 2A 2 10^-2। E कितना है? 10^-5 माइनस 6 प्लस है प्लस 5 आफ्टर सॉल्विंग भी 2 10^-4 न्यूटन्स मीटर। यूनिट साथ में लिखना जरूर भाई, कर लोगे? हो जाएगा। उसी तरह का टॉपिक होगा एनर्जी का भाई, कोई बड़ी बात नहीं, एंगल दिए जाएंगे आपको, कराऊं कि नहीं कराऊं? और अच्छा टॉपिक कराते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। हो गया अभी इतना, जल्दी करो भाई, बेल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम, mg लिख दूँ, मिलीग्राम कितना होता है वैसे? 80 10^-3 भी यही होता है मिली, मिलीग्राम को किलोग्राम मतलब भाई, एक बार मान अच्छा आएगा ना, पहले तो ग्राम बदलना पड़ेगा उसको, 10^-3 ग्राम में आ गया, फिर किलोग्राम में 10^-6 भी यही होगा, चेक करना एक बार ठीक है कि नहीं है। उसके बाद लिखिए एंड इट कैरी ए चार्ज ऑफ 2 10^-8 कॉलम, 2 10^-8 कॉलम इज एट रेस्ट किस पे है ये? रेस्ट पे इन द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वैल्यू दे रखा है भाई? 2 10^4 वोल्ट मीटर इनवर्स भी। ये क्या होता हूँ कुछ देर में अभी, ठीक है? अभी टॉपिक आएगा पोटेंशियल का, उसमें समझ में आया होगा आपको। ये एक्चुअल में क्या है? वो यूनिट है जो आप सोचते हो क्या? न्यू
फोर्स वाइज है ना, न्यूटन्स पर कोलम, ये वही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। कर लोगे, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल दे रखी है न्यूटन आगे। फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एंगल, एंड द एंगल इट मेक विद वर्टिकल, एंड द एंगल इट मेक विद वर्टिकल। क्वेश्चन क्या देखो भाई क्लास, हमारे पास एक पेंडुलम है अभी जिसपे कुछ चार्ज दे रखा है, प्लस का चार्ज है या सर ना, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है ऐसे भी। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, ऐसे अप्लाई किया ना हॉरिजॉन्टली, आपने क्या किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ना ऐसे जाएगा फील्ड भाई, किस तरफ कौन सी प्लेट होगी नेगेटिव, इस तरफ कौन सी होगी पॉजिटिव, ये किसी तरफ भागेगा नेगेटिव तरफ, तो कुछ ना कुछ तो जाएगा, बोल भाई कहीं नहीं तो जाएगी, यहाँ पे पहुँच गई और यहाँ पे पहुँच के रुक गई भी है, बोल रखा है इन्होंने रेस्ट पे, सही है कि नहीं है। तो इस टाइम इसमें टेंशन कितना होगा ये निकालना, तो कुछ ना कुछ तो एंगल तो बनाया होगा इसने भी, इट इज एंगल थीटा भी, यस और नो। इसका वेट कहाँ पे होगा, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्लस वन क्लास में, टेंशन कहाँ पे होगी धागे में, यस सर ना। ये एंगल कितना होगा भाई, ये भी थीटा होगा। अब क्या एम जी को रिजोल्व कर सकते हो कंपोनेंट की टर्म में, या टी को कर लेते हैं, एम जी को छोड़ो, टी निकालना ना हमको, टी को निकालना है। ये एंगल कितना होगा क्लास, ये भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल है, अरे हाँ या ना। टी को रिजोल्व करो, इस तरफ कौन सा आएगा टी कोस थीटा, इस तरफ कौन सा आएगा टी साइन थीटा, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ इज इक्वल टू कितना है क्यू ई, याद है कि नहीं है, जिसकी वजह से इस तरफ जा रहा है, अरे कोई खींच रहा है उसको तो कुछ फोर्स से खींचेगा, कितना फोर्स है क्यू टू ई, सब कुछ दे रखा है टेस्ट पे है ना। तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, दो एक बन जाएंगे आपके, टी निकालो और एंगल निकालो, दिक्कत को नहीं, एक बार एंगल निकाल लो, एक बार डिवाइड कर लो, एंगल आंसर आ जाएंगे आपके, ये आपको करके आना अभी, कर लोगे। नमाज दे रखा था अभी 80 मिलीग्राम में कितना होता है किलोग्राम, -6 भी 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2×10⁻¹ कोलम, कितना चार्ज है भाई 2×10⁻¹ कोलम चार्ज, इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू जरा कितनी फील्ड की, कितनी वैल्यू है 2×10⁴ वोल्ट मीटर इनवर्स भी, अभी आएगा वोल्ट क्या होता है अभी कुछ देर में करेंगे, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल इट मेक विद वर्टिकल्स, ये क्वेश्चन था अभी। देखिए एक धागे के साथ एक बोब क्या होता है पता आपको, लोहे की बोल होती है भी, सिंपल पेंडुलम देखा है आप लोगों ने, और नीचे एक गोली सी होती है लोहे की, वो वाला नहीं भी, सिंपल पेंडुलम होता है, नीचे एक स्पेरिकल बोल होती है, मेटेलिक स्पेरिकल बोल्स भी, ऑफ सम रेडियस भी, ऑफ सम मास, वो एक मीटर के धागे से बंधी होती है, उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम भी। कर लोगे, ये धागा है, ये है, आपने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया अभी, ऐसे मान लेते हैं हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल रखा है इन्होंने, इस पे चार्ज कितना है इसके अकॉर्डिंग, चार्ज पॉजिटिव है इसका भी, यस और नो। जब आप फील्ड अप्लाई करते हो तो स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, एंड कहाँ पे होता है नेगेटिव, उस तरफ क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, यस और नो भाई। तो ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, इस स्पेयर को खींच लेगी अपनी तरफ भी, और यहाँ पे आके किस पे आ गया है, रेस्ट पे हो गया अभी, यस और नो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्ट पे हुआ तो उसका वेट कहाँ पे होगा क्लास, नीचे भी एम जी बोलते हैं वेट को भी। टेंशन कहाँ पे होगी, धागे में तो टेंशन दो, थ्रेड में, ये कुछ एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, ये निकालना भी हमको कितना एंगल बनाएगा। अगर आप टी को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट की टर्म में भाई, ये एंगल कितना होगा क्लास, थीटा होगा, यस और नो। एम जी कितना होगा याद ना, ये वाला एंगल थीटा था ये भी। अगर टी को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट में, यहाँ पे क्या आएगा टी कोस थीटा भाई, इस तरफ है टी साइन थीटा, ये सर ना भाई। जब इस पे ऐसे अपने फील्ड अप्लाई किया तो फोर्स कैसे लगेगा इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में लगेगा,
कितना फोर्स होता है अभी क्यू ई? अभी ये जो बॉब है ये रेस्ट पे हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया भाई, या सर ना? तो सारे फोर्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए इसके, समझ में आ रहा है? तो अगर सारे फोर्स बराबर होंगे तो कैसे लिखोगे इस टॉपिक को भी? देखिए mg के बराबर कौन आ गया? mg इज इक्वल टू t cos थीटा। m का वैल्यू कितना भी क्लास बाद पुट कर ले वैल्यूज, फर्स्ट इक्वेशन मान ले, ठीक है। दूसरा भाई QE के बराबर कौन आ गया? T साइन थीटा। इक्वेशन सेकंड सही है कि नहीं है? डिवाइड करते हैं 2/1, डिवाइडिंग 2/1, तो कैसे लिखोगे इसको? ऐसे लिख सकता हूँ टी साइन थीटा बाई टी कोस थीटा इज इक्वल टू किसके भाई? क्यू ई बाई एम जी। कर सकते हैं डिवाइड, टी से टी काट दें तो ये क्या बन गया? टेंजेंट थीटा भाई, टेंजेंट थीटा बराबर है क्यू का वैल्यू कितना क्लास? 2 × 10⁻¹ इंटू ई कितना भाई? 2 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई प्लस 4 है, और क्या है एम कितना था भाई? 80 × 10⁻⁶ मिलीग्राम में है, और जी कितना लें? 10 ले लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। कर लोगे? सोल्व करना पड़ेगा तो भाई कितना आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग भी? इसको सोल्व करोगे ना तो आंसर आया इसका टी टेंजेंट थीटा बराबर है 0.5102 बुक में से देख रहे हैं, ठीक है। और ये वैल्यू आप चेक करो टेबल से, चेक करोगे तो थीटा कितना आएगा? थीटा इक्वल टू 27 डिग्री भी। कितना आएगा? 27 डिग्री। टेबल होती है आपके पास पीछे से भी, ये वैल्यू आप चेक करोगे तो टेबल से 27 पे आएगा आंसर। उस टेंजेंट आ गया भाई, आपको टी और निकालना है, किसी एक में पुट कर दें आंसर हो जाएगा आपका, या सर ना बता दो किसी में, रख दो मर्जी आपकी भाई, यहाँ रख दें। टी निकालना है, टी इज इक्वल टू फ्रॉम टू इक्वेशंस भी कितना आएगा? क्यू ई बाई साइन थीटा भाई, सही है कि नहीं है? क्यू कितना था भाई? मैं मिटा दिया मैंने, बताओ 2 × 10⁻¹। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 2 × 10⁴ फोर था ना, डिवाइड बाय साइन 27 डिग्री। तो साइन 27 निकाल लो बुक में से भाई, टेबल मिल जाएंगे आपको भी। रब कर दें, सॉल्व कर सकते हैं इसको तो उसका आंसर आएगा टी का भाई, टी का आंसर 8.8 आ रहा है बुक में से भाई, 8.8 × 10⁻⁴ न्यूटन्स भी, फोर्स ही तो है। लिखो भाई टू पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻¹ कॉलम एंड −10⁻¹ कॉलम आर प्लेस्ड 0.1 meter अपार्ट, बेटा डाइपोल है ये, आर प्लेस्ड 0.1 meter अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी सी, अभी बनाऊंगा पॉइंट भी, एट पॉइंट ए बी सी एज इन डायग्राम भी, आपको डायग्राम गिवन है भाई क्लास, डायग्राम में ये पॉइंट पी मान रखा है, ये पॉइंट क्यू मान रखा है भाई, ठीक है। इस पे चार्ज क्यू वन है, कितना चार्ज? 10⁻¹ कॉलम भी। यहाँ पे क्यू टू चार्ज है कितना भाई? 10⁸ कॉलम। पॉइंट बी यहाँ पे अभी, इट इज पॉइंट बी, और ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 0.05 meter भी, ठीक है। ये पॉइंट ए है भाई, हो जाएगा ठीक है। और पॉइंट सी कहाँ पे है?
ये पॉइंट सी है अभी, ये जो लेंथ है 0.1 मीटर का अभी, तीनों पॉइंटों पे निकाल लें आपको अभी ए बी सी पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी। मुश्किल लग गया, बता दो भाई, अरे बता दो कैसे निकालोगे, बताओ भाई बता दो कैसे निकालोगे। जहाँ पे भी निकालनी होता क्या रखते हैं हम लोग हमेशा, वी टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट्स पे, या सर नो, ए पे निकाल के देखो, ए पे निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी, प्लस वन कॉलम, या सर नो भाई, ये हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, कितना था पूरा, कितना था ये 0.05 हाफ हो गया ना, 0.1 का हाफ सही है। इस पे पॉजिटिव रखूँगा तो ये कौन सा है पॉजिटिव है, ये कौन सा है नेगेटिव है, ये था ना Q1 Q2 हैं, पावर माइनस की है, सही है भाई। अब ये पॉजिटिव है क्लास, ये पॉजिटिव को ये पॉजिटिव क्या करेगा, था कम मारेगा भाई, कैसे, इस तरीके से, सही है। और इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव क्या करेगा, खींच लेगा इस तरीके से, तो इसका नेट फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा भाई, सही है कि नहीं है। कैन के बीच का निकाल सकते हो, अरे बता दो कितना आएगा, एट ए पे निकालते हैं पहले भी, फर्स्ट किसकी वजह से निकालते हैं, ड्यू टू Q1, कितना वैल्यू बनेगा अभी क्लास E1 का भी, 1/4πε0Q/r² फॉर्मूला होता है Q/r² पुटिंग द वैल्यूज भी, 9, 10 की पावर 9 हो गया, क्यू कितना है भी 10 की पावर -8, डिस्टेंस कितना है 0.05 का स्क्वेयर भी, सही है कि नहीं है। इस पे भी निकालना था उतना इस पे होगा भाई, यस और नो, डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, ऐड कर दो दोनों को, यानी क्या हो गया डबल नहीं हो गया, यहाँ पे भी E1 हो गया, इसके वजह से कितना होगा सेम होगा भाई, तो नेट ई कितना होगा, डबल कर दें इसके, निकालते रहना बाद में, यस और नो, डबल हो गया भाई, नहीं समझ में आया तुम लोगों को, आई कि नहीं आई, इस पे ये आ गया E1, इस पे आ गया E2, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में एड ही तो करने हैं, ये वन है तो आंसर कितना आएगा, 2 तो आएगा, यस और नो, कर पाओगे, यानी इसको 2 से गुणा और कर दो भाई, और सोल्व कर लेना इसको, हो जाएगा। अब कहाँ पे निकालना है, बी पॉइंट पे, आपको ये नहीं लग रहा बी पॉइंट एक्स जी लाइन पे हो रहा है, इसके बी पॉइंट इसके एक्स जी लाइन पे है भाई, कर सकते हो फार्मूला क्या एक्स जी लाइन का भी, रब करते हैं इसको भाई, फार्मूला है, मैं निकाल जाता हूँ ई एट बी, ये एक्सिलन का केस बन रहा है 1/4πε0 2P होता है भी, Q(2L) लिख सकता हूँ बाई R²-A²³/3/2 यही है, क्या क्या गिवन है भाई, चार्ज है, डाइपोल लेंथ दे रखा है, यस और नो, ये वैल्यू दे रखी है भाई, यार होती है अभी कितनी है, ये 0.05 ये हो रहा है, 0.05 ये 1 मीटर का हो गया, सॉरी 0.1 मीटर भी, यस और नो, पुटिंग द वैल्यूज भी, 9 10 की पावर 9 × 2 चार्ज कितना भाई 10 की पावर -8, डिस्टेंस कितना है 0.1 / आर कितना भाई 0.1 का स्क्वेयर -A 0.05 का स्क्वेयर / 3/2 क्या कर पाओगे सोल्व इसको, अरे बता दो सरपंच साहब, हो जाएगा सोल्व,
अंधेरा नहीं होना था ना। अरे कर लोगे नहीं कर लोगे बता दो यार। ये पॉइंट कहाँ पे है भाई? एक पीट वाली लाइन पे है भाई। कुछ क्वेश्चन लग रहा तुम लोग को? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आया हुआ। ये पॉइंट कहाँ पे है? इक्वेटोरियल लाइन पे है भाई। फार्मूला क्या बनता है इसी का निकालें तो फार्मूला 1/4πε0Q(2a)r²-a²³/2। सही है कि नहीं है? आर कौन सा? ये वाला भाई। क्या आप ये निकाल सकते हो क्लास बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भाई? इसमें से किसके स्क्वायर में से ये माइनस कर दूं? ये बच जाएगा, हो जाएगा। ये तुम्हें करना भाई, कर पाओगे? कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, बस तीनों हैं इसमें इकट्ठे क्वेश्चन से। कर लोगे इसको सॉल्व भी?